जो एक सवाल बार बार उठ रहा है कि एम्स इतना टाइम क्यों ले रहा है रिपोर्ट को पब्लिक करने में, लेकिन आज मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि दिल्ली अपनी पूरी तैयारी कर रहा है महाराष्ट्र में किसी प्रकार के दंगों को रोकने, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद दंगे होने तय हैं। यू हैव टू गिव टाइम, एम्पल टाइम टू दिल्ली। दिल्ली इज वर्किंग ऑन इट, हैव पेशेंस गाइस। एक बात तो तय है गाइस, इधर से उधर दुनिया क्यों ना हो जाए, सुशांत को जस्टिस हम दिला के और दिल्ली इसके फुल मोड में पूरे क्लीन अप। तो किसी भी फेक नैरेटिव, किसी भी फेक न्यूज के ऊपर विश्वास मत कीजिए। मैं कहता हूँ मेरे पे भी भरोसा मत करो, कई बार कह चुका हूँ, अपना दिमाग लगाओ। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र में 144 इम्पोज हुई है फिर से। कईयों का कहना है कोरोना की वजह से, ये सब बेकार की बातें हैं, कोरोना का बहाना है। जब कोरोना पीक पे था तब इन्होंने 144 इम्पोज नहीं किया, तो अब क्या करोगे कोरोना के लिए? जब दिन में 25-25 हजार 20-20 हजार केसेज हो रहे थे तब इन्होंने इम्पोज नहीं किया, तो अब क्या कर ले? तो कोरोना तो एक बहाना है सेक्शन 144 का। बेसिकली ये 144 इसीलिए इम्पोज किया गया ताकि वो लोग भी अपनी अंदर खाने तैयारी कर सके, सारे के सारे अपने जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो अंदरूनी तौर पे, और इट केम एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो कि उन्हें भी तैयारी का मौका मिल गया। इन द मीन टाइम उन्होंने भी अपनी फोर्सेज भिजवानी चालू कर दी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑलरेडी हाई अलर्ट पे 3 स्टेट्स पे। तो किसी भी तरह की अनवांटेड सिचुएशन को निपटने के लिए दिल्ली टाइम ले रहा है। डोंट वरी, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी रिपोर्ट को मत मानिएगा कि विस्केरा रिपोर्ट कंटेमिनेटेड हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। आई से इट ऑन रिकॉर्ड कि ये खबर झूठी है। होमिसाइड, ये साइड वो साइड, मर्डर एंगल, चिंता मत कीजिए, जो होगा सुशांत के फेवर में होगा। लेट मी अश्योर यू दैट स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे यूनाइटेड। जो लोग नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उनके सामने तो मैं खड़ा ही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे पीछे खड़े। बी अश्योर्ड कि दिल्ली किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। सुशांत के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए, दिशा के लिए हम सब खड़े हैं।